हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट भारत के सेबी चीफ पर आई। उनका टारगेट भारत की स्टॉक मार्केट को गिराना था और राहुल गांधी ने लोगों को स्टॉक मार्केट के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। That there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. एक के बाद एक इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आए इस मुद्दे पर। प्रयास था भारत की स्टॉक मार्केट को तोड़ने का। सेबी एक साल से अदानी मामले की जांच कर रही है, एक मोड़ पर जाकर उसे जांच में कुछ भी नहीं मिला, तो क्या सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला? परंतु भारत के लोगों ने राहुल गांधी के इस प्रयास को हरा दिया। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज एलाइज, देयर फेथ इज इंटरट्वाइंड। आखिर ऐसा क्या प्रयास था राहुल गांधी का? कौन इसे पर्दे के पीछे से हैंडल कर रहा था और भारत के लोगों ने वो कौन सी चीज देखी जो भारत की स्टॉक मार्केट को तोड़ने के इस प्रयास को हरा दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक पारस होता है जो पत्थर को छू दे तो सोना बन जाता है, फिर एक राहुल गांधी होता है जो सोने को छू दे तो पत्थर बन जाता है। भाई साहब ने कहा कि मोदी ने HAL यानी हल को डिस्ट्रॉय कर दिया, HAL के स्टॉक बढ़ गए और आज HAL 1,25,000 करोड़ की कंपनी देखते ही देखते बन गई मोदी राज में। भाई ने कहा कि LIC को मोदी ने बर्बाद कर दिया, LIC का स्टॉक बढ़ गया। भाई साहब बोले कि भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। एंड इट इज माई ड्यूटी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन द इंडियन स्टॉक मार्केट बिकॉज द इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स द स्टॉक मार्केट इज कॉर्प्ट। लोगों ने पूरा दिन इन्वेस्ट किया, मार्केट पहले बड़ी फिर दिन समाप्त होते होते कल जितने लेवल पर बंद हो गई। मतलब भाई के लोगों से अपील करने का कोई लाभ नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट बढ़िया चलती रही। भाई ने सोचा होगा सैटरडे को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, संडे को उसके बारे में बोल देता हूँ, मंडे को स्टॉक मार्केट में भूकंप आ जाएगा, तहलका मच जाएगा, मैं तो राहुल गांधी हूँ, मार्केट क्रैश करा सकता हूँ। पर शेख चिल्ली ना फिर से दिन में सपना ही देख रहा था। पर यहाँ मजेदार बात यह है कि जो राहुल गांधी लोगों से अपील कर रहे थे कि भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, उसी राहुल गांधी ने 4,33,00,000 रुपए भारत के स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं और ये राहुल गांधी के ना डिक्लेयर्ड एसेट का 42% हिस्सा है और राहुल गांधी के एसेट्स 2019 से अब तक 59% बढ़े हैं, जो इस बात का द्योतक है कि भारत की अर्थव्यवस्था और मार्केट दोनों बढ़िया कर रहे हैं। क्या राहुल जी, पहले अपना पैसा तो स्टॉक मार्केट से निकालो, तभी तो लोगों को अपील करोगे। राहुल गांधी की अपील के बाद जब स्टॉक मार्केट पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा तो भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को लताड़ा। अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला। साथ साथ भाजपा ने ये भी प्रश्न उठाया कि संसद सत्र के दौरान ही इस प्रकार की रिपोर्ट्स क्यों आती हैं? कहीं भारत के बाहर से तो कांग्रेस के तार नहीं जुड़े हुए हैं जो भारत में केओस पैदा करना चाह रहे हैं। गत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए BBC की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा संसद सत्र के दौरान ही आते हैं और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि मामला इतना बढ़ा क्यों? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था कि राहुल गांधी ने भारतीय स्टॉक्स में लोगों को इन्वेस्ट ना करने की अपील कर दी? तो वही शनिवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें उसने वो सब कुछ बोल दिया जो भी उसके मुंह में आया। उसका आरोप था कि सेबी यानी वो संस्था जो स्टॉक मार्केट में होने वाली किसी भी इरेगुलरिटी को कंट्रोल करती है, तो हिंडनबर्ग ने बेसिकली सेबी और अडानी का कनेक्शन बनाया कि सेबी की जो चीफ है जिनका नाम माधवी बुच है, उन्होंने इलीगल तरीके से अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। हिंडनबर्ग का बेसिकली कहना यह है कि माधवी बुच और उनके पति ने विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, उसके थ्रू विदेशों में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि एम्पायर ही बिका हुआ है, इशारा
सेबी चीफ की ओर था। नमस्कार, इमेजिन यू वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज वॉचिंग द मैच एंड दोज प्लेइंग द मैच नो दैट द अंपायर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब माधवी बुचका ना इसके ऊपर रिबटल आया, जिसमें उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का खंडन किया और बताया कि जिस इन्वेस्टमेंट की ये बात कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट हमने तब की थी जब हम सिंगापुर में रहते थे और ये इन्वेस्टमेंट सेबी ज्वाइन करने से 2 वर्ष पहले की थी। तो भाई साहब बताइए कौन सी इरेगुलरिटी है। अब राहुल गांधी ने सेबी चीफ की बात तो नहीं मानी, पर हिंडनबर्ग की बात मानते हुए भारतीयों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करने की अपील कर दी। और राहुल गांधी को पौ पौ मानने वाले लोगों ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि सेबी ने हिंडनबर्ग से डरते हुए अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट कर दिए, जबकि सच था कि सेबी ने तो हमेशा से ही अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट किए हुए थे। पर मूल प्रश्न ये है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये क्यों आई, कौन है इनके पीछे, इनकी मंशा क्या है और भारत के लोग इनकी इस मंशा को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, वो सब ना आगे देखेंगे। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को शनिवार रात को पब्लिश करना, फिर उसके ऊपर पूरे संडे डिस्कशन चलाना, रात को आकर राहुल गांधी का लोगों को ये कहना कि इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश रिस्की है, मत कीजिए, इस पूरे प्रोसेस को एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। लक्ष्य था भारत के लोगों में स्टॉक मार्केट के विरुद्ध डर बिठाना, ताकि वो इन्वेस्ट ना करें बल्कि निवेश किया गया पैसा भी बाहर खींच लें, स्टॉक मार्केट गिर जाए और अर्थव्यवस्था ढह जाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं, आज मार्केट पूरे दिन बढ़ा और अंत में पिछले दिन जितने स्कोर पर बंद हुआ, और यही भारत के लोगों का आंसर था राहुल गांधी के लिए। ये आंसर कैसे दिया गया वो आगे देखेंगे, पर जो कांड अभी करने का प्रयास हुआ है ना, वो पिछले साल भी हुआ था अडानी के विरुद्ध, और उसके कारण भारत ने भारी विनाश देखा था। 24 जनवरी 2023 को पब्लिश की गई हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था, और इसी आरोप के बाद अडानी के स्टॉक्स धड़ाधड़ गिरने लगे थे। इस रिपोर्ट ने केवल एक दिन में भारत की स्टॉक मार्केट से 1,29,000 करोड़ रुपया लूट लिया था। इसी रिपोर्ट के बाद एक महीने में $140 बिलियन अडानी ग्रुप से निकल गए थे। अगर पूरे साल का देखें तो 53,000 करोड़ रुपये का घाटा तो केवल अडानी ग्रुप ने झेला था, और अडानी ग्रुप के 10 स्टॉक्स में से 16,00,000 करोड़ रुपये निकल गए थे। लोगों को लगेगा कि भाई ये पैसा तो अडानी का है, हमारा क्या मतलब इससे, पर अब जरा अडानी का बिजनेस देखिए। अडानी ग्रुप रेल, रोड, मेट्रो, ऑयल, गैस पाइपलाइन, पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिकली हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो देश की ग्रोथ में जरूरी है उसे बनाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनीज का पैसा निकलना, यानी भारत में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का धीमा पड़ना। उदाहरण के लिए अडानी ग्रुप को 34,000 करोड़ रुपए के फ्यूचर पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को रोकना पड़ गया था इसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण। मार्च 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के पास 5,000 किलोमीटर से अधिक के रोड प्रोजेक्ट थे जिन पर वो काम कर रहा था। इन प्रोजेक्ट्स पर भी असर हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। भारत का 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 500 गीगावाट है, इनमें से 45 गीगावाट केवल अडानी ग्रुप पूरा करने वाला है, जिनमें से 20 गीगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। कई राज्यों में बिजली अडानी ग्रुप ही दे रहा है लोगों को। इसके अलावा रेल, ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हर क्षेत्र में अडानी है। जो पैसा अडानी ग्रुप के पास था ना, उसके वाइप आउट होने का मतलब इन सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की मृत्यु होना था, और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की मृत्यु देश में बिजनेस की कॉस्ट बढ़ाती है, जिससे कंपनीज आपके देश से दूर भागती हैं, जिससे रोजगार कम होता है और महंगाई बढ़ती है, और फाइनली देश डिस्टेबलाइज हो जाता है। चीन के बनाए गए पोर्ट्स कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत को घेरते हैं, ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी। अडानी द्वारा बनाए गए पोर्ट्स चीन को भारत के घेरने के इस प्रयास को काउंटर करते हैं, जिसमें यूएस की कंपनीज तक पैसा लगा रही हैं, जिसकी डिटेल जानने के लिए एक आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब ऐसे में सोचिएगा, क्या अडानी का नुकसान भारत का और आपका नुकसान नहीं हुआ? ऑफ कोर्स अडानी एक बिजनेसमैन है जो अपने फायदे के लिए काम करता है, पर उसके फायदे में आपका और देश का फायदा भी छुपा हुआ है, ये एक बेसिक सी बात है। अडानी हिंडनबर्ग केस के बाद अडानी का मार्केट डुबाया गया, जो आज तक रिपोर्ट के पहले के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। एग्जैक्टली वही कार्य सेबी चीफ की क्रेडिबिलिटी डुबाकर भारत की स्टॉक मार्केट के विरुद्ध करने का प्रयास इस बार किया गया है हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट में। सोचिए, एक अडानी की क्रेडिबिलिटी पर आघात करने से कितना नुकसान हुआ था, पूरे स्टॉक मार्केट पर आघात करने से कितना नुकसान होता। प्रयास भारत को डुबा देने का हुआ इस बार, और ये प्रयास पहले भी कई देशों को डुबा चुका है। कौन लोग डुबाना चाहते हैं भारत को? क्या राहुल गांधी भी इसमें मिले हुए हैं? और भारत के लोगों ने कैसे इस योजना को विफल किया, वो आगे देखते हैं।
बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप रहने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताती है, पर राहुल गांधी यूके यूएसए को अपील करके आते हैं कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। सो द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच आर द यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कंट्रीज सीम टू जस्ट बी ओब्लिवियस दैट ए ह्यूज चंक ऑफ द डेमोक्रेटिक मॉडल हैज कम अनडन, राइट, व्हिच इज अ रियल प्रॉब्लम। और यह केवल एक बार नहीं हुआ है, राहुल गांधी की कॉन्वर्सेशंस में कई बार ऐसा देखा गया है। द यूएस एस्टैब्लिशमेंट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, इफ यू आर सेइंग पार्टनरशिप ऑफ डेमोक्रेसीज, आई मीन व्हाट्स योर व्यू ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। राहुल गांधी ने यह अपील 2022 में लंदन में बैठकर करी थी, और इसी समय एक दूसरी रिपोर्ट आई थी जिसमें इनसाइडर्स का हवाला देते हुए क्लेम यह किया गया था कि भारत की ऑपोजिशन पार्टी का एक टॉप लीडर 2022 में लंदन में बड़े बड़े फाइनेंशियल लीडर्स और बैंकर्स से मिल के आया है। इसके बाद इसी रिपोर्ट में जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगाया गया कि अडानी के ऊपर जो कुछ आरोप लग रहे हैं वो जॉर्ज सोरोस के निर्देशों पर लग रहे हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि भारत का बिजनेसमैन अडानी वो खराब और अमेरिका का बिजनेसमैन सोरोस वो बढ़िया क्यों? क्यों कुछ फैक्ट चेकर्स और यूट्यूबर्स सोरोस को बचा रहे हैं ना कि अडानी को? ये जॉर्ज सोरोस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह, इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। इसी जॉर्ज सोरोस ने मोदी पर दबाव बनाया कि मोदी जी अडानी के विषय पर कुछ बोले। मोदी इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट बट ही विल हैव टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इन पार्लियामेंट। यही नहीं, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए भी प्रण लिया, और सोरोस का विश्वास है कि यदि अडानी कमजोर हुआ तो मोदी की पकड़ भी सत्ता से कमजोर हो जाएगी। इसने विश्व भर से नेशनलिज्म को हटाने के लिए $1 बिलियन का फंड रखा हुआ है। अब भाई सोरोस पूरी दुनिया से नेशनलिज्म को क्यों समाप्त करना चाहता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो भाई इसका सीधा उत्तर है इसका पास। तो बेसिकली सोरोस एक जू है जिसका बचपन नाजीज के हंगरी में आने के कारण प्रभावित हुआ था। अब नाजीज के कारण इनका परिवार टूटा और इन्होंने ना अपना नाम भी चेंज किया ताकि ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ना जा सके। तो इनके परिवार का बेसिकली नाम श्वार्ट्ज था, जो कि इन्होंने सोरोस रखा ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बच सके। लेकिन ये व्यक्ति जो भारत की सत्ता में अभी इंटरवीन कर रहा है, ये भारत को इतना इंस्टेबल क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि यही तो इसका काम है। तो 1992 में इसने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया और स्वयं इसने उससे $1 बिलियन कमाए थे, और इसका ऐसा करने से बैंक ऑफ इंग्लैंड डूब गया था। अब यहां पर ना इकोनॉमिक्स के टर्म का प्रयोग किया गया है, शॉर्ट कराया गया। स्टॉक मार्केट में प्रयोग होने वाली ये टर्म क्या है और कैसे इसे सोरोस ने यूज किया, उसे अगले अध्याय में बताया जाएगा। अभी सोरोस के अन्य कारनामे सुनिए। तो 1997 में सोरोस ने थाईलैंड की करेंसी थाई भात पर भी अटैक किया, और इसका भीषण परिणाम पूरे साउथ ईस्ट एशिया ने भुगता। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड कोलैप्स कर गए। उधर से मलेशिया का रिंगित भी डूब गया, और उसे डुबाकर पैसा कमाने वाला कौन था? सोरोस। मलेशिया ने अपने इतिहास का वर्स्ट रिसेशन उसी समय देखा, और जब मलेशिया में ये रिसेशन आया तो उसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने सोरोस को मोरोन बोला। लेकिन ये यूट्यूबर्स और फैक्ट चेकर्स इसी मोरोन को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए डिफेंड क्यों कर रहे हैं? वर्षों पहले इन सभी देशों में भी ऐसे ही लोग सोरोस को अपने अपने देशों में डिफेंड कर रहे होंगे, और उनके देश की पूरी इकोनॉमी देखते ही देखते फिर कोलैप्स कर गई। और ना केवल इकोनॉमी कोलैप्स हुई बल्कि इन सभी देशों के रेजिम भी चेंज हो गए। साउथ कोरिया में वो ऑपोजिशन का लीडर जीता जो कभी कुछ जीता ही नहीं था। भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडोनेशिया में 30 वर्षों के बाद सत्ता में परिवर्तन आया। उससे पहले इंडोनेशिया ने 30 वर्षों तक बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ देखा था। क्या भारत में आप कुछ ऐसा देख सकते हैं? मलेशिया में सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, परंतु वहां पर भी मलय एस्टेब्लिशमेंट का समापन का दौर यहीं से प्रारंभ हुआ। ऐसा ही कारनामा सोरोस ने फ्रांस में भी किया 1988 में, और उसे 2002 में उस कारनामे के लिए 2.25 मिलियन यूरोस का फाइन भी लगाया गया था।
सोरोस ने इससे पहले रूस की सत्ता को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। 2012 में इसने एंटी पुतिन भाषण दिया और 2016 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जिसमें ये पता चला कि सोरोस रूस में पैसा लगा के केओस क्रिएट कर रहा है। 2011 में यूएसए में एंटी वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे और उस प्रोटेस्ट के पीछे भी सोरोस ही था। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि अरब स्प्रिंग मूवमेंट में भी सोरोस ने ही पैसा लगाया था। अब इनमें से कई चीजें सोरोस के अगेंस्ट प्रूव हो चुकी हैं और कई अभी रिपोर्ट्स के आधार पर एलिजेड हैं, परंतु अडानी के ऊपर भी जो आरोप हैं वो भी तो एलिजेड ही हैं। कुछ प्रूव थोड़ी हुआ है, रादर पिछली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तो कोर्ट्स ने निराधार ही बताया था। अब चलिए भारत ने इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को क्या उत्तर दिया वो आपको दिखाया जाए। देखिए, भारत के विरुद्ध इन आर्थिक आतंकवादियों ने क्या करने का प्रयास किया वो अभी तक हम देख चुके हैं। भारत की मार्केट को पाताल में पहुंचाने का प्रयास था पर वो हो नहीं पाया। लेकिन क्यों, एक ग्राफ से दिखाता हूँ। स्क्रीन पर जो ग्राफ अभी आपको दिखाई दे रहा है इसमें सर्कल किया गया हिस्सा 2003 से 2008 तक का है। ये भारत में स्टॉक मार्केट के बढ़ने का सबसे अच्छा पीरियड माना जाता रहा है। पर अब ये पीरियड देखिए, ये पीरियड कोविड के बाद का है। स्टॉक मार्केट लगभग 30,000 के अंक से 80,000 तक हो चुका है, इसीलिए ये ग्राफ आपको रॉकेट की तरह बढ़ता दिख रहा है। क्या मतलब है इस बात का? सरल शब्दों में इसका मतलब है कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई लोग पैसा लगा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII भारत की मार्केट में 12-12 दिन में 32,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये भारत में अपना पैसा बढ़ा लेंगे लगाने के बाद। इसके अतिरिक्त 2018-19 में भारत के पास केवल 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, 2024 में 16 करोड़ का स्कोर पार हो चुका है। ये आम लोग हैं जो भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, परंतु क्यों? क्योंकि इन्हें अपना पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सरल शब्दों में आम आदमी से लेकर इन्वेस्टर तक भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद विश्व के बड़े बड़े देश रिसेशन की तरफ जा रहे थे और ऐसे में भारत ग्रो कर रहा था। बस इसी कारण IMF ने भारत को ओनली ब्राइट स्पॉट कहा था। सबको अपना पैसा बढ़ाना है, बस इसी कारण जो ब्राइट स्पॉट है वहाँ पैसा डाला जा रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बना रहा है। और ये सोरोस जैसे कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, जो विश्व से सभी राष्ट्रवादियों को मिटा देना चाहता है एक स्किल से जिसे शॉर्ट करना कहते हैं। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट करना मींस किसी ऐसे व्यक्ति से किसी कंपनी के स्टॉक्स बोरो करना जिसके पास ऑलरेडी वो स्टॉक्स हैं, उसके बाद उन स्टॉक्स के नीचे आने का वेट करना या ऐसी हरकत करना जिससे स्टॉक नीचे आ जाए और फिर उन स्टॉक्स को सस्ते दामों में खरीद लेना। सरल शब्दों में यही स्टॉक मार्केट में शॉर्ट करना होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें भी वो भारत के स्टॉक्स में शॉर्ट लगाकर बैठा हुआ है ताकि रिपोर्ट के बाद स्टॉक्स नीचे आएं और हिंडनबर्ग को फायदा हो। और इसी हिंडनबर्ग में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस है। भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी ऐसे लोगों के रिपोर्ट पर हल्ला मचा रहे हैं। इसके बेसिस पर एक प्रकार से भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करने के लिए कह रहे हैं। सोचिए जरा कि यदि मार्केट नीचे आ जाती तो भारत को कितना नुकसान होता। राहुल गांधी ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्या जॉर्ज सोरोस के डायरेक्शन में राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है लोगों को। भारत में मार्केट का डूबना मतलब अराजकता का आना, अराजकता मतलब सत्ता परिवर्तन। क्या राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन के लिए भारत को डुबा देने वालों के साथ खड़े प्रतीत हो रहे हैं? जो भी हो, भारत के लोगों ने स्टॉक मार्केट में आज के दिन भी निवेश किया जिससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत के लोगों को ये फाइनेंशियल टेररिज्म समझ आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज भारत के आम लोगों ने जितना शेयर खरीदा उससे बहुत कम बेचा और बाहर के इन्वेस्टर्स ने जितना खरीदा उससे ज़्यादा बेचा। बस इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत के लोगों ने भारत की स्टॉक मार्केट को बचा लिया। इस आर्थिक आतंक को भारत का आम जनमानस हरा रहा है क्योंकि भारत इस समय दुनिया का इकलौता ब्राइट स्पॉट है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को UPI के माध्यम से। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है जो आपको वक्फ बोर्ड का सत्य बताएगा उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।